लोगों ने भी बड़ी सेवा की है गाजीपुर की। नहीं, बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा की है आप लोगों ने। आप लोग हमारे घर गए, हम आप लोगों के घर। नहीं नहीं, आप लोगों का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। एकदम लगातार, और जिस समय दोनों टाइम में खाना चल रहा था, ये लोग सुबह 6 बजे आ जाती थी और रात को 8 बजे जाती थी। मतलब समझ लीजिए कि 14-14 घंटे तक लगातार इन लोगों ने सेवा दी। पूरी छांति इन महिलाओं के सामने आज पूर्व मंत्री विजय मिश्रा नतमस्तक हैं। आखिर हो भी क्यों ना, अगर इन महिलाओं और इनके जैसे तमाम वॉलंटियर्स का साथ नहीं मिलता तो लॉकडाउन में जिले के जरूरतमंदों की सेवा करने का विजय मिश्रा का यज्ञ कैसे पूरा होता। लॉकडाउन में जब आर्थिक गतिविधियां ठप हुई, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी, तो मजदूरों के सामने खाने तक का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में मददगार बनकर सामने आए पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके वॉलंटियर्स। रसोई और भंडार दिन रात चले और एक समय 4000 लोगों तक का खाना बना। यही वजह है कि आज विजय मिश्रा इन महिलाओं के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और उन्हें साधुवाद दे रहे हैं मानवता के इस यज्ञ को पूरा करने के लिए। आइए खुद विजय मिश्रा से जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे संभव हुआ। देखिए, कोरोना संकट के कारण जब देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो लॉकडाउन का दूसरा पहलू ये रहा कि आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियाँ बंद हो गई, जिसके कारण जो दैनिक मजदूर थे उनके सामने, जो रोज कमाने खाने वाले लोग थे उनके सामने भूख का संकट खड़ा हुआ। इसकी सूचना मेरे पास आने लगी और स्टार्ट में, इसके शुरुआती दौर में, घर की रसोई से ही उन जरूरतमंदों की सेवा करने का काम हुआ। लेकिन लगातार संख्या बढ़ने के कारण इसे सुनियोजित और व्यवस्थित करना जरूरी हो गया। तब मैंने एक जन सहयोग से अपने लोगों से वार्ता करके एक रसोई की स्थापना की और यह लोगों को इतना प्रिय हुई कि दानदाताओं ने, इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, और सबसे बड़ी बात इसमें बड़े लोग भी, सुसंपन्न लोग भी और गरीब लोग भी दान दिए। तो एक दानदाताओं ने और काम करने वाले हमारे कर्मयोद्धा साथियों ने इस रसोई को अनवरत चलाते हुए जनपद के, शहर के, गाजीपुर नगर के जितने भी जरूरतमंद थे हर वार्ड में, उनके घर जा करके इस संकट, खड़े हुए भूख के संकट को, जरूरतमंदों की सेवा करने का काम किया। मंत्री जी, एक शिफ्ट में लगभग 3,500 से 4,000 परिवारों तक भोजन आपने मुहैया करवाया जी, लगातार दोनों शिफ्ट तक जी। वो एक बड़ा बिग बजट हो गया था, कैसे सब कुछ मेंटेन जी? देखिए, ये तो इसकी सफलता का सारा श्रेय जनपद वासियों को ही है। और इसकी सबसे बड़ी विशेष बात रही कि हर वार्ड से जरूरतमंदों की सूची बनवाई गई, उनका सूचीबद्ध नाम नोट किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि एक टाइम भोजन देने के बाद ये दूसरे समय कहाँ जाएंगे, तो उनको दूसरे वक्त का भी भोजन, दोनों टाइम का भोजन उनके दरवाजे तक पहुँचाने का कर्मयोद्धा साथियों ने काम किया। और इतना ही नहीं, भोजन की पौष्टिकता और स्वाद का भी पूरा ध्यान रखा गया। एक पहर में चावल का आइटम और दूसरे पहल में आटे का आइटम। चावल के आइटम में कढ़ी चावल, सब्जी चावल, बिरयानी, खिचड़ी, तहरी, और आटे के रूप में कभी पूड़ी सब्जी, तो कभी पूड़ी बुनिया, तो कभी कचौड़ी सब्जी, तो कभी सत्तू की बाटी। मतलब स्वाद और स्वादिष्ट का, स्वाद का भी और पौष्टिकता का भी पूरा ध्यान रखा गया। और इतना पसंद आया लोगों को, इतना पसंद आया, और जैसे जैसे संख्या बढ़ी थी, जैसा कि आपने जो सवाल किया कि अब तक चल रहा, जैसे जैसे जरूरतमंदों की संख्या बढ़ी थी वैसे वैसे जरूरतमंदों की सेवा करने का काम हुआ था, संख्या को रोका नहीं गया था। अब जब लॉकडाउन समाप्त हुआ है, अब अनलॉक वन में आ रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे खुलने लगे हैं, तो जैसे जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और जरूरतमंद लोग, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, अपने अपने काम पे जो लोग लौट रहे हैं, वो लोग स्वेच्छा से ही अपना नाम सूची से कटवा रहे हैं, और आज की तारीख में वो संख्या जो 4,000 के आसपास पहुंची थी वो 600 के आसपास पहुंच गई है, और वो लोग भी 2-4 दिन में
अपने अपने काम पे चले जाएंगे तो यह जो पवित्र काम हुआ है उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। अभी आप पूर्व मंत्री और गाजीपुर के नेता विजय मिश्रा को सुन रहे थे। विजय मिश्रा इस पूरे सेवा कार्य का श्रेय जनपद वासियों को दे रहे हैं। हजारों लोगों को भरपेट भोजन कराने के इस कार्य में वैसे तो सैकड़ों लोगों ने मेहनत की, लेकिन फिर भी हम यहाँ कुछ नामों का जिक्र कर रहे हैं। विजय मिश्रा के वॉलंटियर्स में सभासद गोपाल वर्मा, पूर्व सभासद संदीप श्रीवास्तव, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय, दीपक वर्मा, मनोज पांडे, अन्नू पांडे, अजय यादव, राज सैनी, राम बाबू वर्मा, बबुआ वर्मा, कमलेश वर्मा, अनिल मिश्रा, लल्लन वर्मा, बबलू यादव, इमरान खान, मनीष पांडे, लालजी वर्मा, हिमांशु जायसवाल, पुरुषोत्तम यादव, पंकज दुबे, मनहर श्रीवास्तव, विजय सिंह, ब्रिजेश गुप्ता, कौशल मिश्रा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, गणेश वर्मा, रोशन वर्मा, कुंदन वर्मा, मोनू पटवा, विक्की यादव, दीपक कसौधन, अभिषेक तिवारी, मनी सिंह, रोहित गुप्ता, अवधेश गुप्ता, मोहम्मद परवेज, करण कुमार समेत तमाम लोग शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।